अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने लगे हैं आलू की बिरयानी। ये बहुत इजी बन जाती है, इसमें चावल उबाइल नहीं करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम आयल डालते हैं। देखिए मैं आयल गर्म है। वाह, ये हमने बीच में तेज पत्ता 2 से 3 अदद, 3-4 ये लौंग दाल शामिल कर दी, दालचीनी के 3 अदद, 1 इंच इतने ये टुकड़े शामिल किए। अब हमने इसमें एक छोटा प्याज काट के, प्याज लाइट ब्राउन करने, प्याज ब्राउन हो चुके हैं ये देखिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 अदद आलू काट कटे हुए, इसके शक्ल में हमने ये काट के थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ये आलू जरा हमारे फ्राई हो गए। अब हमने ये 5 अदद हरी मिर्ची और लहसुन अदरक ये पेस्ट बना के हमने शामिल किया। फिर हमने शामिल करेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, लाल कुटी हुई मिर्च और ये बिरयानी मसाला, 1 बड़ी चम्मच खाने वाला चम्मच ये शामिल करती हूँ। थोड़ा सा नमक इसमें शामिल करना है क्योंकि बाकी नमक हम चावलों के साथ शामिल करेंगे। ये ज़रा सा डाला था मैंने चुटकी सा, और ये ज़रा सा पानी शामिल करें ताकि मसाला हमारा जले ना, इसको अच्छी तरह से भून लेना है। ये 1 बड़ा टमाटर हमने गोल स्लाइसेस में काट लेना है। इसके बाद ये 5 हरी मिर्ची लंबाई के रूप में काट लें। अब इसको इसलिए शामिल कर दें, ये ऑयल देखें पानी मसाले का खुश्क हो गया, ये जो ज़रा सा पानी हमने डाला था। और ये अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये टमाटर और हरी मिर्ची जो हमने काट के रखी है, और आग को हमने डिम कर देना है। फ्लेम बिल्कुल कम करके 5 से 4 मिनट के लिए ऊपर ढक्कन दे देंगे। ये हमने ढक्कन हटाया, ये देखिए टमाटर बिल्कुल नरम हो चुके और आलू भी हमारे सही ये आए गए। अब हम इसमें पानी डालेंगे, चावल 1 गिलास है तो 2 गिलास से कम पानी डालेंगे ताकि चावल हमारा खड़े खड़े, इतना कम हमने इसमें। अब ये पानी पक गया, इसमें नमक डालना है 1 चम्मच 1 गिलास, बाकी आप अपने हिसाब से जैसे आप पसंद करते हैं। अब जब पानी पकने लगे फिर हम इसमें चावल शामिल करेंगे। पानी पकना शुरू हो गया, अब हम इसमें ये चावल हमने धोकर रखे हैं ये इसमें शामिल कर देंगे। चावल तकरीबन 1/2 घंटा हमने पहले गीले किए थे ताकि चावल अच्छी तरह से फूलेंगे भी और अच्छे बनेंगे। चावल दम पे आने वाले हैं, अब इसमें इमली शामिल कर देंगे गीली करके रखी थी। ताकि चावल हमारे टूटे भी ज़रा सा कलर और जो होता है ये शामिल कर देंगे हम इसमें। सही है, ये हम इसको दम दे देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट। चावल हमारे दम पे आ चुके हैं, हमने फ्लेम को बंद किया और ये हम खोल रहे हैं। इसके बाद हम इसे डिश ऑफ करते हैं। ये हमारी आलू की बिरयानी तैयार हो चुकी है, हमने इसे डिश आउट किया। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, ओके, अल्लाह हाफिज़।